हेलो फ्रेंड नमस्कार, हम लोग सभी ओंकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहे हैं। जंगल में रोड बनाना पड़ रहा है, पहाड़ काटना पड़ता है ना। ये पहाड़ और यहाँ के रास्ते, बड़ा ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। बड़ा आनंद आ रहा है। पहाड़ों के ऊपर रास्ते बनाए गए हैं काटकर। टर्निंग पॉइंट है ये, बहुत ही ओंकारेश्वर मंदिर के लिए हम लोग सभी। ये देखिए पहाड़, बड़ा ही घने जंगल से जाना पड़ रहा है। हेलो फ्रेंड नमस्कार, मैं हूं राहुल कुमार और आज आपको ले आया हूं ओंकारेश्वर मंदिर, जो यहां नर्मदा नदी के पास में है। मैं इन भाई साहब से पूछता हूं, भाई साहब कहां से हैं आप? यूपी से। भाई साहब यूपी से हैं? भाई साहब कौन से ज़िले से हैं? भाई यूपी देवरिया ज़िले से। देवरिया ज़िले से आए हैं भाई साहब यहाँ पर दर्शन करने। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जगह भी बहुत अच्छा है, देखने में खूबसूरत लग रहा है। और आप तो आए तो देख ही रहे हैं। तो आप यहाँ पे कितनी बार आ चुके हैं? ये यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इस समय। फर्स्ट बार आए हैं भाई? हाँ। इन भाई साहब से मिलते हैं थोड़ा। ये इस पार से उस पार ब्रिज है, नर्मदा नदी के बीच में बना है। यहाँ पे बहुत से बोट चल रहे हैं, यात्रीगण आ जा रहे हैं और बड़ा ही मस्त नज़ारा है यहाँ पे। देखिए ये देखिए, इधर दिखाइए थोड़ा आप कैमरा। बोट चल रहे हैं, बड़ा अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ पे। चल काट बस। अरे मोबाइल तो बंद कर लो। भोलेनाथ के पास ठीक है। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, बड़ा ही अद्भुत, अच्छा और बड़ा ही सुंदर कलाकृत किया गया है। देखिए ये है भगवान शंकर के द्वार का, ये अंदर, और ये ऊपर से नर्मदा नदी ब्रिज से हम इसका नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए उधर सारे बोट हैं और बड़ा नदी, नर्मदा नदी जी, बड़ा ही सुंदर दृश्य दिख रहा है। ये देखिए नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर मंदिर, वो आगे जो दिख रहा है आपको डैम है, और ये पहाड़ों के बीच में नदी, बड़ा ही सुंदर दृश्य। और ये आने जाने के रास्ते बनाए गए हैं नदी के ऊपर। ये ता ही मस्त अद्भुत नज़ारा देखने को। वो है डैम, और ये है नीचे नदी। गोविंद राय नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय।
ये जो आप सामने देख रहे हैं ये डैम है। पानी जब अधिक होता है तो डैम को खोल दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।